आप एक केस हिस्ट्री बता सकते हैं जो आपको याद है कि पेशेंट किस तरह से आपके पास आया और उसके बाद उसका क्या नतीजा निकला ऑपरेशन के बाद? कम से कम 6-7 साल पहले मेरे पास एक 22 साल का लड़का आया था। घर में मम्मी उसका खाना रोज काउंट करके उसको देती थी कि इतना खाओ उतना खाओ, और कुछ पॉकेट मनी मिलते थे। वो बोला डॉक्टर इतनी भूख लगती है कि मैं 100 पानी पूरी खा सकता हूँ, फिर वड़ा पाव खा सकता हूँ, तो जो भी मिलता है मैं वो रोड साइड वाले आदमी को बोलता था मैं इतने पैसे देता हूँ मुझे इतना दे दो। तो डॉक्टर साहब मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती है पर मुझे अच्छी बीवी चाहिए, मुझे शादी करनी है। घर में बहुत लोगों से झगड़ा किया और अभी मुझे चलना मुश्किल हो गया, खेलना मुश्किल हो गया, दम भी लगने लगा, अभी लोग हंसते हैं, अभी मैं क्या करूँ। He was helpless because of his metabolism. He was helpless because of his excess hunger, and then his bodily inability to enjoy social image. फिर उसकी सर्जरी हुई। अभी 6-7 साल हुए। हर साल वेडिंग एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट करता है तो फोटोग्राफ भेजता है कि डॉक्टर साहब मेरा ड्रीम ठीक हो गया, अभी मैं इतना नहीं खाता हूँ, अभी क्रेविंग कम हो गई है, अभी मैं लाइफ नॉर्मल एंजॉय करता हूँ। अभी वो 30 ईयर का सक्सेसफुल IT प्रोफेशनल अपना लाइफ नॉर्मल लीड कर रहे हैं।